स्टूडेंट्स, अभी तक आपने फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन के बारे में जाना। इवेपोरेशन में आपने ये देखा कि सर यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा वाटर इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट हमारे पास बच गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नाउ हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, अब मेरे को यहाँ से सॉल्ट एंड वाटर दोनों अलग अलग चाहिए। पहले क्या होता, वाटर इवेपोरेट हो गया था इवेपोरेशन प्रोसेस में, तो वहाँ पर मैंने वाटर को कलेक्ट नहीं करा था, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब यहाँ मुझे सॉल्ट एंड वाटर दोनों अलग अलग चाहिए, तो ये कैसे होगा? ये भी हो सकता है, एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर में से सॉल्ट और वाटर दोनों को अलग अलग सेपरेट, यानी दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। क्लियर? अब डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये इस फैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर हमने लिया है उसमें एक सब्सटेंस वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा। ये दोनों टर्म से हमारा क्या मतलब है, व्हाट इज़ वॉलेटाइल एंड व्हाट इज़ नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल टर्म का मतलब है दो सब्सटेंसेज विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू वेपर्स, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब है विच डज नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग। क्लियर? अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो वॉलेटाइल है, यानी कि अगर मैं उसको बॉयल करूंगा हाई टेम्परेचर पे तो वो एवेपोराइज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों प्रोसेस। फिगर नंबर 18 अगर आप पेज नंबर 65 पर देखेंगे तो हीटिंग और कूलिंग दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। कैसे? हमने एक केटल ली, उस केटल के अंदर हमने सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर रखा था। उस केटल को जब हमने हीट करना स्टार्ट किया तो केटल के आप देखेंगे केटल के एक फेस से वेपर्स निकलनी शुरू हुई, और हमने एक ठीक उसी जहां से वेपर्स निकल रही हैं ठीक थोड़ा सा ऊपर हमने एक फ्राइंग पैन लिया है। अब उस फ्राइंग पैन में हमने रखा है आइस। क्लियर? अब जैसे ही ये वेपर्स इस फ्राइंग पैन से टकराएंगी, क्योंकि फ्राइंग पैन के अंदर क्या है, आइस है, बहुत ठंडा है, तो ये वेपर जैसे ही फ्राइंग पैन के बेस से टकराएंगी इनका टेम्परेचर एकदम बदल जाएगा, ये एकदम ठंडे हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे अब। क्लियर? कंडेंस यानी कि अब ये वेपर्स स्टेट से दोबारा से लिक्विड स्टेट में आना शुरू करेंगे। अभी वेपर जैसे ही कंडेंस होंगे लिक्विड स्टेट में आएंगे। दूसरा बीकर, ठीक फ्राइंग पैन के नीचे हमने एक बीकर रखा है, ये लिक्विड स्टेट में वेपर्स कन्वर्ट होके यानी कंडेंस होके वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर था, वाटर पूरी तरह से वेपराइज हुआ, यानी पहले हीट हुआ, फिर हमने उसको फ्राइंग पैन के पास जैसी वेपर्स गई वहाँ पे आइस होने की वजह से वो ठंडा हुआ, यानी कूलिंग प्रोसेस हुआ, फिर वो वाटर में यानी लिक्विड स्टेट में आके एक बीकर में स्टोर हो गया, और जो सॉल्ट था वो केटल के अंदर ही रह गया। तो इस तरीके से बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हमने सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर में से सॉल्ट भी अलग सेपरेट कर लिया और वाटर भी अलग सेपरेट कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन टू मेथड्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे मिक्सचर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि हमको दो या दो से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना पड़ सकता है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ बुक का, इसमें लिखा है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। मान लीजिए सैंड एंड सॉल्ट आपने मिक्सअप कर दिया, अब बोला कि अब इसको हम कैसे सेपरेट करें, है ना। तो हमने क्या करा, उस सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर को एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें मिक्सअप कर दिया, तो जो सॉल्ट था वो मिक्स हो गया पानी में, और जो अगर मैं उसी बीकर को थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ दूँ, मैं उसको ऐसे ही बिना डिस्टर्ब करे उसको रख दूँ, तो जो सैंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो सॉल्ट है वो पानी में ही डिजॉल्व रहेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैंने उस लिक्विड को जब अलग किया तो फिल्ट्रेशन मेथड से मैंने सैंड अलग हो गई, यानी पहला प्रोसेस जो मैंने यूज़ किया फिल्ट्रेशन टू रिमूव द सैंड, एंड सेकेंड प्रोसेस मैं यूज़ कर सकता हूँ इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन भी, जहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर को भी मैं अलग कर सकता हूँ। क्लियर?